बाद से ये सबसे बड़ी बैठक बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवल हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा घायल हैं। 26 यात्रियों को लेकर जा रहा टेम्पो ट्रैवल कल अलकनंदा नदी में गिर गया था। हादसे का शिकार टेम्पो ट्रैवलर दिल्ली के यात्रियों को लेकर चोपता तुंगनाथ जा रहा था। गंभीर रूप से 7 घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है और एम्स ऋषिकेश पहुंचा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स में भर्ती घायलों से मुलाकात की। यहां सीएम धामी ने हादसे में घायल लोगों का हालचाल भी जाना, साथ ही जिला मजिस्ट्रेट से इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 2-2 लाख उनके परिजनों को रुपया देने का ऐलान किया है और पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग हादसे में 14 की मौत हो चुकी है, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। लोगों का इलाज यहाँ पर जो है जो जरूरी है सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी।